मैं आपकी बात मानती हूँ भाभी माँ कि तस्वीर देखने से पूरा आइडिया नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा तो हो ही जाता है ना। हाँ, अंदाजा तो लग ही जाता है। तो फिर लगाइए ना अंदाजा। तस्वीर तो आपने देख ली है, मुझे तो तस्वीर बहुत अच्छी लगी है भाभी माँ। आपको भी जम जाए ना तो बस शहनाई बजने की शुरुआत हो। हाँ राधिका, जितनी महत्वपूर्ण लड़की है ना उतना ही महत्वपूर्ण उसका घर घराना। पता लगा ही रहे हैं? पता लगा रहे नहीं भाभी माँ, पता लगा चुके हैं। लड़की सचमुच अच्छे घराने की है। तो जल्दी बताइए ना किसकी लड़की है, कौन सा घराना है, प्लीज जल्दी बताइए। तुम्हारे लिए तो इतना ही जान लेना काफी है राधिका कि लड़की प्रकाश की बहन है। प्रकाश की बहन? अपने प्रकाश की? लीजिए, ये प्रकाश अब अपना कब से हो गया? लीजिए, इतनी बार तो मिल चुके हैं आप उससे, कितनी बार वो घर आ चुका है, अपने घर के बच्चों के समान ही तो है ना वो। हाँ, बात तो ठीक है, लड़का संस्कारी है, जब भाई ऐसा है तो बहन भी तो ऐसी ही होगी। दुर्गा, बात आगे बढ़ाओ। भाभी माँ, अभी अभी मैं लड़की के पिता से फोन पर बात करके आ रहा हूँ। क्या हुँ? क्या कहा उन्होंने? कब दिखा रहे हैं लड़की? अरे ये सब बातें अभी नहीं हुई, पुराने परिचित है। एक जमाने में उनका भी हमारी तरह बहुत बड़ा नाम था, आज तो सिर्फ दुआ सलाम हुई है। तो क्या अब कारोबार ठीक नहीं है क्या? भाभी माँ, उनके साथ किसी ने बेईमानी की थी, पूरा शहर इस बात को जानता है, इसीलिए तो बेचारे प्रकाश को नौकरी करनी पड़ रही है। लेकिन नारायण जी आदमी बहुत अच्छे हैं। बस आदमी ही अच्छे होने चाहिए, हालात का क्या है, वो तो बदलते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे वो अपने आप को हमारे सामने छोटा समझे। केवल लड़की और शादी की ही बात होनी चाहिए। हाँ भाभी माँ, मैं भी यही सोचता हूँ। मैं नारायण जी से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले उस मनोहर से पूछूंगा कि इतने अच्छे घराने की लड़की की तस्वीर उसके पास कैसे आई। मोरी पतरा खो गिरधारी, बांके बिहारी गिरवर धारी, पतरा खो गिरधारी, मोरी पतरा खो गिरधारी। जो बड़ा इतने सजदा स्वर कहाँ जा रहे हो? अब तेरी भली हो जाए राधे राधे, कर दियो अब शकुन। अरे 50 बेर कही है प्रांजल की मामी, जाते वक्त टोको मती करे, अब शकुन है जाए बांके बिहारी लाल की कृपा से। पर नहीं, कोई जा तो होएगो तो इनकी टांग जरूर अड़ेगी। अब हटो, बैठ बे दो थोड़ी देर, बैठ बे से अब सकुन टल जायो करे। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। सुनो, और कोई श्लोक बताओ या से पहले हमारी सुन लो। दुर्गा प्रसाद जी के घर पे जा रहे हैं बांके बिहारी लाल की कृपा से। तो उसमें नई बात कौन सी है, हर हफ्ते तो तुम जाते हो। अरे कर दी ना बावले पड़े की बात। अरे पहले पूरी बात सुन ले होकर। अरे रोज के जाबे में और आज के जाबे में अंतर है, जमीन आसमान को अंतर है बाकी बिहारी लाल की कृपा से। अरे आज तो हम जा रहे हैं खुद सेठ जी के बुलावे पे। अरे वो का कहे भाई, वो पर्सनल फोन करो है भाई हमें। अच्छा है? तब तो जरूर कोई अच्छी बात होगी। अरे होगी का अच्छी बात, तो जमा दी हमने बाकी बिहारी लाल की कृपा से। मतलब भाई देख, भांजी चाहे कैसी भी हो पर ऐसी खूबसूरत फोटो करवा दी है बड़ी सारी है कि बाकी की फोटो तो अपने आप अलग हट जाएंगी। अच्छा मतलब प्रांजल का रिश्ता जम गया? अरे जम गयो, यही वास्ते तो जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। अब तो तू ये समझ के मेहनत भी रंग ला रही है और किस्मत भी रंग लाएगी बाके बिहारी लाल की कृपा से। और कमीशन वो कब रंग लाएगा? अरे कर दी फिर बेवकूफी की बात। अरे बड़े घर में कमीशन डायरेक्ट ना मांगो जाए, तुमको कितनी बेर तो समझाइए, तेरी समझ में ना आए। अरे वहाँ पे कमीशन मांग दे के दूसरे रास्ता है, एक बार वो दुर्गा प्रसाद रिश्ते के लिए हाँ कर दे। अरे कमीशन मांग दे के तो मैं कई रास्ते निकाल लूंगो। जाओ जाओ जल्दी निकलो तुम, और सुनो सेठ जी के यहाँ सबको मेरा नमस्ते कह दो। अरे बाके बिहारी लाल आगो कछु बुद्धि दो। अरे बड़े घरन में नमस्ते नाए करी जाए,
वहां पे तो पैर पकड़ लिए जाए, चरण स्पर्श की हो जाए और कही जाए राधे राधे, चरण स्पर्श है, प्रणाम है, राधे राधे। जाऊं महाराज? अब जा रहा हूं, चुप रहियो। हाँ हटो। राधे राधे, प्रणाम भाभी मां। हाँ जी मनोहर लाल जी, हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि प्रांजल का रिश्ता जो आप लेकर आए हैं वो हमें कुछ ठीक लगा है। लगना ही चाहिए भाभी माँ, लगना ही चाहिए बांके बिहारी लाल की कृपा से। अब आपको बताएं, हमारी सगी बहन की बच्ची है और इससे बड़ी बात यह है कि वो प्रकाश की बहन है और नारायण की बेटी। लगना ही चाहिए, होना ही चाहिए बाबूजी, होना ही चाहिए। अब आपको बताएं, बांके बिहारी लाल की कछु ऐसी कृपा है मनोहर लाल पे कि गलत रिश्तों तो बताए ही नहीं जाए, और वो भी आप जैसे घराने में कत्ते ही नहीं। वैसे यही बात कहने के लिए बुलाया था, वैसे भी तुम काफी चक्कर काट चुके हो, बस इतनी बात समझ लो कि बड़े इस रिश्ते को समझ चुके हैं, अब बच्चे इस रिश्ते को समझ ले तो फिर बात आगे बढ़ाते। तब तक इस बात को आगे मत बढ़ाना। किसी की बेटी का सवाल है, लोग 50 तरह की बातें करते हैं। अरे आप क्यों फिक्र करो बाबूजी, हैं? अरे बात बनाने वालन के तो मुंह बंद कर दिए जाएंगे मिठाई खिला खिला के बांके बिहारी लाल की कृपा से। देखो भाभी माँ, आप प्रांजल के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हो, मोकु तो लगे बस कृपा होने वाली है बांके बिहारी लाल की, प्रांजल पे भी और जे मनोहर लाल पे भी। तो मैं चलू बाबूजी? राधे राधे। अच्छा भाभी, आ गई उर्मिला। हाँ। लो भैया लड्डू खाओ। हाँ, खाओ खाओ, तुम भी खाओ। लो। भाई वाह, बहुत स्वाद लड्डू है, देखो उर्मिला के घर का लड्डू है, स्वाद है कि नहीं? अरे तो तुम भी कभी ऐसे स्वाद लड्डू बनाने की कोशिश करो करो, है हमेशा पत्थर के टुकड़ा ने दलाओ प्लेट में। सच्ची में शुभ शुभ बोलो जी, ऐसे मौके पर पत्थर की बात कर रहे हो? वैसे जिंदगी में पहली बार तो पहली ही बार में कोई ढंग का रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ भाभी ठीक कह रही है, अब गुस्सा छोड़ो और लड्डू खाओ। हाँ लड्डू तो खा लेंगे, देख उर्मिला ये एक लड्डू से अपना काम ना बने को। हाँ अरे एक दो लड्डू तो हमारी दाढ़ में हट जाए ससुरे। तो एक खाने को कौन कह रहा है, पूरी प्लेट आपके लिए। जो सारे लड्डू हमारे पास थे। फिर तो है को काम। क्या कर रहे हो, कुछ अटक गया? सुमन सुमन देख उर्मिला, लड्डू भी हम खाएं, खुशी भी हम मनाएं, पर जे विचार कौन करेगो कि लड्डू में पत्थर की तरह से आके विराजमान है गई है ये सुमन देवी अपने प्रांजल के माथे पे। पर भैया सुमन का प्रांजल से क्या मुकाबला? कोई मुकाबला ना भाई, हमारी नजर में तो कोई मुकाबलो ना है बांके बिहारी लाल की कृपा से, पर वे लोग तो करेंगे मुकाबलो है। वे तो हमसे पूछेंगे कि भाई मनोहर लाल एक बात बताओ, जब बड़ी लड़की घर में कुंवारी बैठी है तो छोटी लड़की के रिश्ते को क्या मतलब है? ये बात तो है दीदी, और बात भी छोटी मोटी ना है, बांके बिहारी लाल के गोवर्धन पर्वत जितनी बड़ी है, हटानी पड़ेगी, बीच में से हटानी ही पड़ेगी उर्मिला। ये किसे हटाने की बात चल रही है? तेरे दुश्मनों को। कितनी खूबसूरत लग रही है प्रांजल, सचमुच दीदी इसे काला टीका ही लगा दो कहीं नजर न लग जाए। What nonsense, my makeup will get spoiled। अच्छा अच्छा लल्ली ने अंग्रेजी में डांटना सीख लियो है, आजकल के दूल्हा अपनी दुल्हन से अंग्रेजी में ही डांट खाओ करे उर्मिला। ये क्या बात चल रही मामा? प्रांजू तू अभी भी नहीं समझी, तेरे रिश्ते की बात चल रही है और तेरे मामा तेरे लिए रिश्ता लेकर आए। What nonsense, बाबा यार क्या कर रहे? हम कौन है करता धरता, तो वो है बच्ची बांके बिहारी लाल, वही करवा रहा है हमसे। एक मिनट मामा, ये बांके बिहारी को आप अपने पर्सनल मामों में लाइए, मेरे पर्सनल मामले में बांके बिहारी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, शादी मेरी है और रिश्ते की बात आप करेंगे। अरे तो लल्ली तू गुस्सा क्यों करो करे, देख अभी तो बात छेड़ी है, बात जम जाएगी तो देखेंगे। भाई हाँ तो हम तभी करेंगे ना जब हमारी लल्ली हाँ करेगी, है कि ना?
जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शादी मुझे करनी है और जब तक मैं लड़के से नहीं मिलती, मैं उसे पसंद नहीं करती, कुछ नहीं हो सकता। यू कांट गो अहेड। हाँ तो ठीक है ना, यहाँ में क्या बात है? अरे नन्ही, तेरे लिए लड़का भी अच्छा ढूंढेंगे और घराना भी अच्छा ढूंढेंगे। हाँ मुझे घराना बनाने से कुछ नहीं करना है, मुझे तो लड़के से मतलब है। हाँ तो ठीक है कोई बात ना। अरे लल्ली, लड़कों भी इतना अच्छा मिलो है कि बस पूछो मत, कोई लड़की रिजेक्ट ही ना कर सके। आएगो तो देख में, तू भी देख लीजो। What? लड़का मुझे देखने आएगा? What is this, मम्मी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लड़के से मैं मिलूंगी और वो भी घर में तमाशा बनकर नहीं, इनफैक्ट किसी रेस्टोरेंट या किसी थिएटर में मिलूंगी मैं उससे। बेटी, लड़का ही लड़की के घर आता है और तेरे मामा तो उसे इन्वाइट भी कर रहा है, अब ये तो दस्तूर है। दस्तूर माय फुट। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए कि जब तक मैं लड़के से नहीं मिलती और मैं उसे पसंद नहीं करती, आप लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। Is that clear? अरे पर लल्ली, हेलो। हाँ स्वीटर, क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार, और क्या, कब आ रहे हो तुम? बस मैं तैयार होकर बैठा हूँ, थोड़ा नाश्ता हो जाए। सुनो, आज वही वाली ड्रेस पहनना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था। देखो कर दिया ना मजा खराब, मैं वही पहनकर बैठी हूँ। ओह गॉड, आई विश आई वाज देयर स्वीटहार्ट। तुम वो ड्रेस पे इतनी खूबसूरत लगती हो कि बस पूछो नहीं। थैंक यू वेरी मच। बस अब तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मिस्टर मेहता, कितनी बार कह चुका हूँ जल्दबाजी अच्छी नहीं है, इस केस में थोड़ा वक्त तो देना ही होगा। मेहता, वक्त? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा समझी, तुम्हारी वाइफ है ना वहाँ पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहा हूँ मैं। ओके बाय। ओके बाय। अच्छा बताओ, ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, मुझे देर हो रही है, काम पर जाना है। आज छुट्टी का दिन है, तुम आज भी बाहर जाओगे? बिजनेस के लिए नो छुट्टी, और कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो छुट्टी वाले दिन ही मिलते हैं। तुम्हें हो क्या गया है बकुल, कितने रूखे होते जा रहे हो तुम? तुमने मेरी साड़ी तक नोटिस नहीं की। प्रिया, कितनी बार कह चुका हूँ मुझसे ये टीनेजर्स वाली बातें एक्सपेक्ट मत करो। हाँ तुम्हारी साड़ी अच्छी है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, इट्स ओके। मैं कहीं नहीं जा रही, मैंने ये इसलिए पहनी थी कि तुम आज घर पर थे। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, सारा दिन घर पर बैठता हूं, तुम्हारी तारीफ करता हूं, बिजनेस छोड़ देता हूं। ये हो क्या गया है तुम्हें प्रिया? मुझे बकुल, तुम्हें क्या हो गया है? बिजनेस 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 के अलावा कुछ सोचता है तुम्हें? मत भूलो कि ये बिजनेस तुम्हें मेरे पापा ने दिया था। अगर उन्हें पता होता ना कि इस बिजनेस की वजह से तुम उनकी बेटी तक को भूल जाओगे, तो शायद वो ये बिजनेस तुम्हें कभी नहीं देते। प्रिया, प्रिया तुम ये कहना चाहती हो मैं ये बिजनेस जुए और शराब में उड़ा दे रहा हूं? Why don't you understand? पापा का नाम मुझे बढ़ाना है, उनका काम मुझे बढ़ाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये बिजनेस चलाना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं बकुल, मैं किसकी जिम्मेदारी हूं? क्या कमी है? गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ड्राइवर है, नौकर है, और क्या चाहिए तुम्हें? पति का प्यार बकुल, इन सब चीजों से ज्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो होती है पति पत्नी का आपसी प्यार। मुझे बस वो दे दो। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, यही ना?
शादी से पहले तो करते थे, लेकिन पापा का बिजनेस संभालते ही कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना बदल जाओगे। काश मेरे पापा ने मेरी शादी किसी गरीब आदमी से की होती, शायद वो मुझे प्यार भी करता, मुझे वक्त भी देता। क्यों, खाना बनाना आता है? नहीं। बर्तन साफ करना? नो। और कपड़ा धोना? नो नो। मैंने कुछ पूछा ही नहीं। तो पूछो ना। बच्चे खिलाने आते हैं? छी, फेल करो यार, नेक्स्ट। अरे व्हाट इज दिस यार, शादी करनी है, नौकरी नहीं। अरे बेटे, शादी भी तो नौकरी होती है। अच्छा बेटा भैया, लेते हैं आस्ता आस्ता। Hey, Pranjal, why are you so serious? नहीं यार, मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या? यही कि बहुत जल्द मुझे भी यही सवाल पूछने पड़ेंगे। Don't say that, यार। Yes, मेरे मामा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और बहुत जल्द मुझे उससे मिलना है। शकुनी, मामा ने देखा ना, तो लड़का दुर्योधन ही होगा। मेरी मानो, कैंसिल करो। किस किस को कैंसिल करूँ आशीष? अरे कितने रिश्ते आ रहे हैं मेरे लिए। How sad. तो क्या तुम सबके सब लड़कों को देखोगी? हाँ, और उनमें से जो भी मुझे पसंद आएगा बस उससे शादी कर लूंगी। तो हमारा क्या होगा? Well, तुम लोग अपना अपना देख लो, okay? That's not my headache. और मैं? तुम्हारे लिए तो हम स्वयंवर रचा देंगे बेटे। स्वयंवर? Oh, wow. भैया हिसाब करने कल आ जाना। हाँ, और 5 किलो बासमती चावल भी देना। हाँ, घर पे पहुंचा देना आज शाम को ही। हेलो सुमन, हाउ आर यू? अगर आप मुझे भूल गई तो आपको याद दिला दूं, बंदे को तरुण कहते हैं। देखो, तुम तरुण हो या वरुण, इसे मुझे कोई मतलब नहीं है। और अब मेरा रास्ता छोड़ो। अगर आपको छोड़ना ही होता तो आपका पीछा क्यों करता मैं? हाँ सुमन जी, देखिए जो आप सोच रहे हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर आप कैसी लड़की हैं?